नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, जैसे विकास दुबे की गाड़ी पलट गई थी, एनकाउंटर हो चुका था, यूपी पुलिस देखिए उससे बढ़िया बच के निकल गई। अब अतीक अहमद को यह डर सता रहा है कि उनका भी देखिए एनकाउंटर ना हो जाए, उनकी भी गाड़ी ना पलट जाए। और शाइस्ता परवीन जो है, उनकी जो बेटियां हैं, जो उनके बेटे हैं, बार बार ये देखिए सीएम योगी से देखिए आग्रह कर रहे हैं कि उनको गाड़ी से ना लाया जाए। देखिए काफी बड़ी खबर देखिए इस वक्त आ रही है कि अतीक अहमद को कल यानी कि 13 मार्च को गुजरात के साबरमती जेल से यूपी में लाया जा सकता है और पूछताछ के लिए देखिए यूपी पुलिस जो है वो उनको गुजरात के साबरमती से गाड़ी में ला सकती है। जी हाँ, ये बड़ी खबर देखिए इस वक्त उत्तर प्रदेश आ रही है, क्योंकि देखिए अतीक अहमद जैसे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, ये जो शब्द थे वो थे सीएम योगी आदित्यनाथ के। उसके बाद क्या हुआ कि एक एक करके अतीक अहमद के गुर्गों को यूपी पुलिस पकड़ रही है, एनकाउंटर कर रही है, जेलों में डाल रही है, छापेमारी ज्यादा देखिए हो गई है। और साथ ही साथ अतीक अहमद की जो पत्नी है शाइस्ता परवीन पर भी देखिए 25,000 का जो इनामी राशि है वो घोषित कर दी गई है। क्यों? क्योंकि जो शाइस्ता परवीन है उनके जो तार हैं वो किससे मिल रहे थे? शूटर से मिल रहे थे। यानी कि अतीक अहमद के कहने पर शाइस्ता परवीन ने शूटर से मुलाकात की होगी और उनको सारा जानकारी दी होगी। ऐसा हो सकता है देखिए, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में वो दिख रही है शूटर के साथ। और इसलिए देखिए कि शाइस्ता परवीन को भी देखिए अब यूपी पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि देखिए इस वक्त वो पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन 25,000 का देखिए जुर्माना इनामी जो राशि है वो घोषित कर दी गई है और जल्दी देखिए शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी हो सकती है। और लेकिन अब इससे भी बड़ी खबर देखी गई है कि अतीक अहमद की गाड़ी देखिए पलट सकती है कभी भी। और तो और देखिए उनके जो साथ जो बेटे हैं उनके, उनकी भी गाड़ियां देखिए जो पलट सकती है। ये डर जो है वो सता रहा था इसका, और इसका खुलासा देखिए पहले भी कर चुके हैं रामगोपाल यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने बोला है कि अतीक अहमद के बेटों को मरवा दिया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।